तो कक्षा बारहवीं के प्रिय विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा बारहवीं का प्री बोर्ड परीक्षा पेपर दो हज़ार बारिश कक्षा बारहवीं विषय भूगोल तो देखिएगा दोस्तों वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका जो भूगोल का पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा का इसे पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं हाँ दोस्तों प्रश्न क्रमांक एक से प्रश्न क्रमांक लास्ट तक यानी आपके पेपर में जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी पेपर सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के लिए पूरी तरह से हल सहित संपूर्ण पेपर हल सहित बताने वाले हैं तो चलिएगा बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट तो ले देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका जो प्रश्न क्रमांक एक है यानी कि सही विकल्प चुनकर लिखिए और इसमें आपका पहला विकल्प दिया गया है अमूलवादी क्या दोस्तों अमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका ब नंबर का क्या आ जाएगा ब नंबर का इसका सही आंसर आ जाएगा जिसमें लिखा है मार्क्स क्या लिखा है दोस्तों मार्क्स और इसके बाद आता है विकल्प नंबर दो जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बा नंबर का जिसमें चीन लिखा हुआ है और इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का विकल्प तो तीसरे नंबर के विकल्प में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है तो देखिए तीसरे नंबर के विकल्प का सही आंसर आ जाएगा आपका सा नंबर का जिसमें लिखा हुआ है व्यवसाय क्या दोस्तों व्यवसाय और इसके बाद आता है विकल्प नंबर चार तो देखिए विकल्प नंबर चार में यहां पर देखिए लिखा हुआ है विकल्प नंबर चार में लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आप्रवासी आते हैं तो इसका सही आंसर आ जाएगा आर नंबर का क्या दोस्तों आर नंबर का उत्तर प्रदेश इसके बाद आता है आपका पांचवें नंबर का विकल्प जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका आर नंबर का जिसमें लिखा है अजय संसाधन क्या आ जाएगा दोस्तों अजय संसाधन तो देखिए दोस्तों ये तो हुए आपके सही विकल्प और सही विकल्प पूरे होने के बाद आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपका है प्रश्न क्रमांक दो तो देखिए प्रश्न क्रमांक दो में आपके दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो देखिए इसमें आपका पहला रिक्त स्थान दिया गया है बेंदा मध्य बेंदा मध्य भारत के खाली स्थान क्षेत्रों के जंगल में रहता है तो देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा रुकिए दोस्तों दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट निवेदन है यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को बेल आइकन घंटी के दबाने से क्या होगा कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच चलेगा तो चलिएगा तो चलिएगा आप बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट तो देखिए इसमें आपका पहला फर्स्ट नंबर का रिक्त स्थान लिखा हुआ है बेंदा मध्य भारत के किस क्षेत्र के जंगलों में रहता है तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र आपको महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश भय लेना है क्या दोस्तों महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान नंबर दो जिसमें लिखा हुआ खाली स्थान से खाली स्थान तक आयु संबर्ग कार्यकहता जनसंख्या है तो देखिए इसमें आपको पहले वाले में आपको पंद्रह भाई देना है दूसरे वाले में आप साठ सकते हैं या पैंसठ दोस्तों दो में से एक कोई भय सकते हैं और इसके बाद आता है है तीसरे नंबर का जिसमें लिखा भारत विश्व व्यापार संघ के खाली स्थान में से एक रहा है तो देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा विश्व व्यापार संगठन क्या आ जाएगा दोस्तों विश्व व्यापार संगठन और इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का तो चौथे नंबर में लिखा हुआ है खाली स्थान किस देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं तो देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा स्वास्थ्य चिकित्सा क्या आ जाएगा दोस्तों स्वास्थ्य चिकित्सा और इसके बाद आता है पाँचवें नंबर का जिसमें लिखा हुआ है समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों को ग्रामीण बस्तियों का खाली स्थान प्रतिरूप दिखाई देता है तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका पाँचवें में रेखा कार्य क्या आपको दोस्तों लिख लेना है आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रेखा और कार्य इस प्रकार से आपको कार्य लिख लेना है इतना आपको इसका आंसर लिख लेना है और इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान नंबर छ जिसमें लिखा है भरमोड़ जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के खालिस्थान जिले में है तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका क्या चंबा क्या आ जाएगा दोस्तों चंबा जिला तो देखिए एक हुआ आपके खाली स्थान तो देखिए दोस्तों यदि आप लोगों ने खाली स्थान अभी तक नहीं लिखे हैं तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपके छः के छः दोस्तों खाली स्थान लिखे हुए हैं तो यहाँ से भी दोस्तों आप लोग लिख सकते हो तो देखिए एक खाली स्थान पूरे होने के बाद आता है प्रश्न क्रमांक तीन क्या आता है प्रश्न क्रमांक तीन जिसमें लिखा होगा है सही जोड़ी बनाइए तो देखिए प्रश्न क्रमांक तीन में आपको सही जोड़ी बनाना है तो देखिए इसमें आपकी पहली सही जोड़ी दी गई है जो दोस्तों ज़रा जूम कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आपकी जोड़ी दी गई है तो देखिए इसमें आपकी पहली जोड़ी दी गई है विश्व में निम्न विश्व में निम्नांकित लिंग अनुपात तो देखिए इसमें आपकी जो पहले नंबर की जोड़ी है इसका मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर पाँचवें नंबर में अर्थात ई नंबर में इसका आपका मिलान हो जाएगा और इसके बाद आती है आपकी दूसरे नंबर की जोड़ी जिसमें लिखा है सामूहिक कृषि तो इसका मिलान हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर यानी कि आ नंबर में और इसके बाद आती है आपकी तीसरे नंबर की जोड़ी जिसमें लिखा है अंगूर की कृषि तो देखिए इसका मिलान हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर चौथे नंबर अर्थात द नंबर और इसके बाद आती है आपकी चौथे नंबर की जोड़ी जिसमें लिखा है खाद्यान्न फसल तो इसका मिलान हो जाएगा आपका बार नंबर में देखिए यहाँ पर इसका मिलान हो जाएगा अब बची आखिरी जोड़ी जिसमें लिखा है परंपरागत ऊर्जा संसाधन तो इसका मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर कोयला क्या हो जाएगा दोस्तों इसका मिलान सात नंबर में इसका मिलान हो जाएगा जहाँ हमें कोयला लिखा हुआ है तो देखिए दोस्तों आशा कहते हैं कि आप लोग सभी जोड़ी आसानी से समझ चुके होंगे चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर तो देखिए हमारा अगला प्रश्न आता है क्या एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए तो देखिए हमारे यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हमें देना है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक चार दिया गया है तो लीजिएगा इसमें आपका पहला प्रश्न आता है भारत में लिंगा किस प्रकार ज्ञात किया जाता है तो देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा लिंगा अनुपात बराबर यानी कि एल बराबर भी आप लोग लिख सकते हो या लिंगा अनुपात बराबर लिख सकते हो फिर लिखना है आपको स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या क्या लिखना है दोस्तों स्त्रियों की जनसंख्या दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना है और बटे में पुरुषों की जनसंख्या दोस्तों आपको लिख देना है और लास्ट में आपको गुणा का निशान लगाकर आपको यहाँ पर सौ लिख देना है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि जैसे आपको लिंगा अनुपात ज्ञात करना है तो देखिए आप लोग यहाँ से जैसे यहाँ पर आप लोग लिंगा अनुपात लिंगा अनुपात बराबर फीमेल में हाँ दोस्तों फीमेल बटे एम गुड़े सौ इस प्रकार से दोस्तों आप लोग लिख सकते हो और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक दो जिसमें लिखा है दो हज़ार ग्यारह की जन जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है तो देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों एक लाख इक्कीस अरब क्या दोस्तों एक दशमलव इक्कीस अरब आपको लिख देना है प्रकार से आपको लिख देना है और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीन तो क्रमांक में लिखा है भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका जम्मू और कश्मीर क्या दोस्तों जम्मू और कश्मीर आप लोग आसानी से लिख सकते हो और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक चार जिसमें लिखा है बड़ी लाइन या ब्राड गेज में रेल पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है तो आपको इसका सही आंसर लिख देना है कितना चार फिट चार फिट चार फिट यदि आप लोग इस प्रकार से लिखना चाहो तो ठीक है और यदि आप लोग आठ बटे दो फिट भी लिख सकते हो बात बराबर है तो आप लोग चार फिट लिख सकते हो और इसके बाद आता है आपका विकल्प प्रश्न क्रमांक पाँच जिसमें लिखा है स्थान बदलकर की जाने वाली किसी क्या कहलाती है तो देखिए ये स्थानतरी किसी कहलाती है देखिए आपको इस प्रकार से लिख लेना है क्या स्थान स्थान स्थानांतरिये आपको इस प्रकार से स्थान्तरीय और यहाँ से किसी लिख लेना है तो देखिए आपको इस प्रकार से लिख लेना है और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक छः जिसमें लिखा तो है महासागरों की जनसंख्या कितनी होती है तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों आपको चालीस लाख से अधिक जनसंख्या जहाँ होती है वह महासागर होते हैं यानी कि आपको चालीस लाख से अधिक कह देना है क्या दोस्तों चालीस लाख से अधिक तो देखिए दोस्तों ये हुए आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यानी कि आपका प्रश्न क्रमांक चार होगा पूरा इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक पाँच तो देखिए प्रश्न क्रमांक पाँच में लिखा होगा असत्य असत्य लिखिए तो इसमें आपका पहला सत्य सत्य दिया गया है बेनेजुएल ओपेक का सदस्य देश है तो ये आपका पहला हो जाएगा बिल्कुल सत्य और दूसरे नंबर का जो दिया गया है इसमें लिखा है इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है तो ये आपका गलत हो जाएगा इसके बाद आता है तीसरे नंबर का जिसमें लिखा आंतरिक प्रवास के अंतर्गत तीन धाराएं होती हैं तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का जिसमें लिखा है ग्रामीण वासियों के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या गलत और इसके बाद आता है आपका चौ पाँचवें नंबर का जिसमें लिखा है भारत कपास के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा इसके बाद आता है आपका छठे नंबर का जिसमें लिखा है ईमेल एक जनसंचार का माध्यम है तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका छठे नंबर इसका सही आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही ये बिल्कुल सही है तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपके हो गए सत्य असत्य पूरे यानी कि आपका प्रश्न क्रमांक जो पाँच है ये भी पूरा हो गया अब आता है इसके बाद प्रश्न क्रमांक छः तो देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए हम बता दें कि इससे पहले दोस्तों हमने कुछ दिनों पहले कक्षा बारहवीं का जो भूगोल का पेपर है एक मॉडल पेपर अपलोड किया था और वो पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपका प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है तो देखिए दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी मॉडल पेपर की जिसमें हमने आप लोगों के लिए कुछ दिन पहले ही मॉडल पेपर के रूप में पूरा का पूरा प्री बोर्ड पेपर हल सहित बता दिया था तो देखिए अभी उस मॉडल पेपर को देख लीजिए अपना पेपर देखिए वही का वही पेपर आया है तो देखिए आपको उसमें संपूर्ण हल देखने को मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से आप लोग लिख सकोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अभी जाइए उस देख लीजिए तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें देखिए दोस्तों इस प्रकार से आप लोग लाइक कर दें और चैनल को कह दें सब्सक्राइब और साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को और बेल आइकन घंटी के दबाने से जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा और साथ ही अपने दोस्तों में कह दें दोस्तों इस वीडियो को शेयर तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय स्टूडेंट